हाय फ्रेंड्स, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सेरम क्रिएटिनाइन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ये ब्लड टेस्ट करने के पहले कम से कम 48 आवर्स हमें कोई वर्कआउट नहीं करना है, बिकॉज जैसे ही हम वर्कआउट करते हैं तो सी रिएक्टिव प्रोटीन तो निकलेगा। जब हमको पेन फील होता है या तो हमको बुखार आता है, उस समय सी रिएक्टिव प्रोटीन बनेगा। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन और सेरम क्रिएटिनाइन, अब जब हमारा मसल मास टूटेगा तो क्रिएटिन भी टूटेगा, तो क्रिएटिन टूटेगा तो क्रिएटिनाइन उसका बाय प्रोडक्ट है, तो क्रिएटिनाइन लेवल ज़्यादा होंगे अगर आपने वर्कआउट किया होगा तो। साथ ही साथ क्रिएटिन का सप्लीमेंटेशन अगर आपने लिया है तो भी सेरम क्रिएटिनाइन बढ़, तो फॉल्स फ्लैग आ सकते हैं। फॉल्स फ्लैग अवॉइड करने के लिए आपको क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन को छोड़ना पड़ेगा एक हफ्ता पहले, साथ में सेरम क्रिएटिनाइन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सी रिएक्टिव प्रोटीन के टेस्ट के समय 48 आवर्स वर्कआउट नहीं करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 4 दिन वर्कआउट मत करो, 96 आवर्स, तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। ये टॉपिक स्पेसिफिकली उनके लिए जो सर्च कर रहे होंगे यूट्यूब में कि मैं क्या करूँ, मेरा सी रिएक्टिव प्रोटीन पॉजिटिव आया ज़्यादा, क्या मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, ये उसके लिए है। बिकॉज बहुत सारे लोग सर्च करते हैं ये सब छोटी छोटी चीज़ें और उनको मिलता नहीं है, तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने ये बनाया है हिंदी में, एज़ यूजुअल इंग्लिश मुझे आती नहीं है। तो सी यू फ्रेंड्स, बी स्ट्रॉन्ग, बी सेफ, टेक केयर।